श्री लक्ष्मी नरसिम्हा वर्तमान में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। ये IUCN SSC कॉन्जर्वेशन प्लानिंग स्पेशलिस्ट ग्रुप के सदस्य हैं। संरक्षण संबंधित कैप्टिव प्रोपागेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इनकी दिलचस्पी का क्षेत्र है। इस विषय पर इन्हें कार्य करते हुए 10 वर्षों से अधिक हो चुके हैं। इन्होंने विभिन्न संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण ब्रीडिंग सेंटर, जूलॉजिकल संस्थान तथा चिड़ियाघर के संरक्षण शिक्षा के लिए रखे गए जंतुओं पर अध्ययन करके यह अनुभव प्राप्त किया है। विगत कई वर्षों से ये हिमालय पर्वत के फिजेंट्स के संरक्षण प्रजनन तथा उनकी पारिस्थितिकी का अध्ययन कर रहे हैं। ये वेस्टर्न ट्रैगोपान और चीड़ फिजेंट के संरक्षण प्रजनन की योजना के प्रमुख जीव विज्ञानी रहे हैं। आज अपनी वार्ता के दौरान ये हमें फिजेंट्स के बारे में कुछ सामान्य बातें तथा उसके पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान से अवगत कराएंगे। मैं अब उनसे आग्रह करता हूँ श्री लक्ष्मी नरसिम्हा जी से कि कृपया वो अपनी वार्ता शुरू करें। थैंक यू विभव, एम आई ऑडिबल? यस यू आर परफेक्टली ऑडिबल। आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन। Yeah, visible in full screen? No? Yes, yes. Yeah, okay. Thank you. Main shayad I'll not be able to do justice to in speaking Hindi as proficient as you have done, but I'll try my bit. But yeah, okay. But thank you for introducing me, Vibhav. And I would like to thank Dr. Sonali ma'am and officials at NZP for this opportunity to deliver this talk on birds, my favorite group of birds, and especially pheasants, which are my real favorites. I'll try to keep the talk fairly broad and generic. I'll not go into the details, species-wise details mein main nahi baat karunga, but it will be quite broad and generic. Pheasants ke baare mein, unke biology, kahan rehte hai, unke general behavior ke baare mein, and their conservation. And then maybe we'll take up some questions. Aaj ka din, it is very special because aaj it is the birth anniversary of Dr. Saleem Ali, jo bird man of India से जाने जाते हैं। सो उन्होंने बर्ड्स पे काफ़ी काम किया है एंड द वर्क ही हैज डन एज फार एज बर्ड कॉन्जर्वेशन और बर्ड के मॉनिटरिंग इज कंसर्न दे हैव मेड अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इंडियन ऑर्निथोलॉजी एज सच। तो इट इज़ अ वेरी इट इज एक्चुअली इट्स अ ग्रेट फीलिंग दैट आई एम गिविंग टॉक अबाउट बर्ड्स ऑन अकाउंट ऑफ हिज बर्थडे एंड लेट अस कीप the work of Saleem Ali alive by watching birds, by seeing birds and conserving birds. So shuru karte hain pheasants ke bare mein. So to start with pheasants is shabd ka arth samajhte hain, what is the meaning of this word. So origin of the word pheasant is basically pehle eastern europe mein ek jagah tha aur nadi tha wahan pe aur uska nadi ka naam tha phasis karke. तो उसके आसपास बहुत सारे मुर्गी प्रजाति के जंगली पक्षी मिलते थे, उसको फेजियानोस करके ग्रीक में बोलते थे, वहां से फेजेंट बना। सो फेजेंट का वर्ड का ऑरिजिन है कि उस एक नदी था फेजिस नाम, तो उसके आसपास जो पक्षी मिलते थे वो सारे प्रजाति उस ऐसे प्रजाति पक्षी को फेजेंट्स बोला जाता था। सो जब आप फेजेंट को देखते हैं, जैसे आपने इस इमेज में देखा तो इसमें एक मोर है, तो जब when you look at the form कैसा दिखता है एक पक्षी अगर pheasant देखेंगे तो सबसे पहले याद आएगा हमें मुर्गी, मतलब ये मुर्गी की तरह दिखने वाला एक पक्षी है करके। बट इसके पीछे एक एक्चुअली there is a history behind it why they look so similar। तो जो हमारे जो देसी मुर्गी होता है, जो domestic chicken होता है, so basically they are domesticated from some of the wild pheasants, स्पेसिफिकली जो रेड जंगल फॉल और ग्रे जंगल फॉल, दो प्रजाति के जो पक्षी जो इंडिया में पाए जाते हैं, इनके डोमेस्टिकेशन मतलब पालतू करके बहुत सालों से, मतलब 10,000 साल पहले ये प्रोसेस शुरू हुआ था। तो अराउंड 8 से 10,000 साल से साल के पीछे इसको डोमेस्टिकेशन किया गया एंड पहले
मतलब जो लड़ाई में यूज करते थे इन पक्षियों को, तो बेसिकली फेजेंट्स और चिकन्स और ह्यूमंस का एक एसोसिएशन काफ़ी हजारों साल से है. सो जब हम वाइल्ड फेजेंट्स के बारे में बात करेंगे, टॉकिंग अबाउट वाइल्ड फेजेंट्स, सो मोस्टली जो भी फेजेंट्स है जो एशिया कॉन्टिनेंट में हैं वहाँ पे पाए जाते हैं. एक स्पीशीज है कॉन्गो पीफाउल करके, वो बस कॉन्गो अफ्रीका में पाया जाता है. बाकी ज़्यादातर जो भी फेजेंट्स है वो सारे नेटिव जो है दे आर नेटिव टू एशिया. हालांकि बट देर आर सेवरल स्पीशीज लाइक खलीज फेजेंट हो गया और रिंगनेक फेजेंट्स हो गया, बहुत यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में बहुत जगह में इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया है. मतलब रीइंट्रोड्यूस मतलब यहाँ से ले जाके जहाँ पे वहाँ मिलता नहीं है बट वहाँ पे छोड़ते हैं फॉर गेम हंटिंग, मतलब वहाँ पे शूटिंग हंटिंग के लिए इसको स्पेसिफिकली ब्रीड करके वहाँ पे छोड़ते हैं एंड देन दे शूट हंट. सो वहाँ पे गेम हंटिंग अलाउड है, तो वहाँ के लिए यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे स्पीशीज ऑफ फेजेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है. वहाँ पाए नहीं जाते हैं बट वहाँ छोड़ा गया है. जनरली ये जो फेजेंट्स जो होता है वो दे आर जनरली थोड़ा बल्की, मतलब थोड़ा बड़े किस्म के पक्षी हैं, जो जैसे छोटे पक्षी भी होते हैं काफ़ी बड़े पक्षी होते हैं जैसे ऑस्ट्रिचेस है, तो जनरली एक मीडियम साइज बॉडी साइज बर्ड है ये, और ज़्यादातर ज़मीन पर रहने वाले पक्षी हैं, टेरेस्ट्रियल बर्ड्स जो बोलते हैं. इनका एक खासियत है कि जनरली मेल और फीमेल जो पक्षी है, नर पक्षी और मादा पक्षी जो होता है उसको आप एकदम से पहचान सकते हैं देखने से, क्योंकि नर पक्षी थोड़ा कलरफुल होता है, मादा पक्षी थोड़ा कम कलरफुल होता है. सो इसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब आप देख के नर पक्षी कौन सा है मादा पक्षी कौन सा है एक प्रजाति में आप बता सकते हैं इसलिए. तो फिजिकल अपियरेंस से वो फेजेंट्स के खासियत है. मोस्टली ये जंगल में पाए जाने वाले पक्षी है, इसके बारे में थोड़ा आगे बात करते हैं. जैसे कि बहुत सारे जानवर प्रजातियां विलुप्त हो रहे जंगल में, एक्सटिंक्ट और थ्रेटेंड हो रहे हैं, तो फेजेंट्स के बारे में जनरली हमारा जो नॉलेज है वो बहुत काफ़ी कम है, क्योंकि ये जंगल में रहने वाले हैं, बहुत रिमोट एरियाज में रहते हैं, वहाँ जाना इनको स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है. सो एक तो हमें इनके बारे में इनका जो बायोलॉजी है इसका जो नॉलेज है हमें वी नो वेरी लेस अबाउट इट. ऑल्सो जैसे बहुत सारे पक्षियों को ह्यूमन डिस्टर्बेंस अफेक्ट कर रहे हैं, वैसे ही इनका भी जो वाइल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन है, द रीज़न व्हाई दे आर नॉट बीइंग एबल टू सर्वाइव इन द वाइल्ड, ह्यूमन डिस्टर्बेंस एक मेजर कारण है. जैसे कि मैंने बताया, सो जस्ट हाउ कलरफुल दीज बर्ड्स आर मैं इस स्लाइड में दिखाना चाह रहा था. अलग अलग प्रजाति के फेजेंट है जो कुछ इंडिया में पाए जाने वाले हैं, कुछ बाहर देश में पाए जाने वाले हैं. तो पूरे दुनिया में लगभग कितने प्रकार के प्रजाति है उस पर काफ़ी बहस हो रहा है, बट रफली अराउंड 50 फेजेंट स्पीशीज है करके एक अग्रीमेंट है, क्योंकि टैक्सोनॉमी और इनका जो स्टडीज होता रहता है तो स्पीशीज एडिशन और कम होता रहता है. 50 और 51 अराउंड उस उतना स्पीशीज प्रजातियां अलग अलग प्रजातियां मिलता है करके पूरे वर्ल्ड में, तो अराउंड 50 स्पीशीज पाए जाता है. अराउंड 17 स्पीशीज उसमें से इंडिया में पाए जाते हैं आउट ऑफ द 50 फेजेंट स्पीशीज दैट आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें से 17 स्पीशीज जो है इंडिया में पाए जाते हैं. अगर आप इसको देखोगे इनका कंजर्वेशन स्टेटस, जो मतलब जंगल में कितना विलुप्त हुआ है, कितना थ्रेटेंड है ये स्पीशीज, अगर आप देखोगे काफ़ी सारे स्पीशीज जो है लीस्ट कंसर्न कैटेगरी, एक IUCN करके एक देर इज़ अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इनको कैटेगराइज करता है कि कितना थ्रेटेंड है हर एक स्पीशीज, तो उस कैटेगरी में अराउंड 9 प्रजातियाँ जो है वो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है. मतलब इसका मतलब है ये इनका जो स्टेटस है वाइल्ड में थोड़ा अच्छा चल रहा है अभी, बट देर आर ऑल्सो अदर स्पीशीज, लगभग 7 स्पीशीज जो है वो वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड कैटेगरी में है. इसका मतलब ये है कि ये बहुत जल्दी विलुप्त होने की मतलब दे आर वेरी थ्रेटेंड, सो देयर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इज डाउटफुल. तो मतलब सो ये ग्रुप ऑफ बर्ड्स इंडिया में जो पाए जाते हैं तो इनका कंजर्वेशन इम्पोर्टेंस काफ़ी है. नाउ तो मैंने बताया ये विलुप्त हो रहा है जंगल में, कम हो रहा है इनका संख्या, तो कारण क्या है? सो व्हाट आर द थ्रेट्स, इनको वाइल्ड में क्या थ्रेट्स हो रहा है? सो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग इज, जैसे कि हम सबको पता है, दिस इज ये हैबिटेट लॉस, मतलब जो वाइल्ड हैबिटेट्स है जहाँ पे ये फेजेंट्स रहते हैं उसका कम होता रहना, मतलब ओवर द ईयर्स इट हैज़ रिड्यूस्ड. सो हैबिटेट लॉस और लैक ऑफ हैबिटेट ये बहुत एक मेजर
फैक्टर है इन उनका संख्या जो कम होता जा रहा है जंगल में. दूसरा है हंटिंग. इतना ज्यादा पूरे डिस्ट्रीब्यूशन रेंज में नहीं हो रहा है, बट देर आर पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे हंटिंग काफ़ी हद तक प्रेवलेंट है, जैसे कि आप इस फोटोज में देख सकते हैं. तो इस वजह से भी इनका जो नंबर्स है काफ़ी घटता जा रहा है. ऑल्सो देर आर अ कपल ऑफ एडिशनल थिंग्स, जैसे कि मैंने बताया ग्रेजिंग हो गया, और जंगल में जाते हैं लोग जड़ी बूटी कलेक्ट करने के लिए, और जड़ी बूटी जब कलेक्ट करने जाते हैं अनफॉर्चुनेटली वो जो है ब्रीडिंग सीजन के साथ कोइंसाइड करता है, तो इट इज़ डिस्टर्बेंस होता है उनके हैबिटेट में. बहुत सारे पक्षी जो है ब्रीडिंग सीजन में डिस्टर्बेंस को टॉलरेट नहीं करते हैं, सो उस वजह से उनका ब्रीडिंग इफेक्ट होता है. सो ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस जनरली एक अच्छा जंगल भी है, बट अगर आदमी बार बार वहाँ जा रहा है डिस्टर्ब कर रहा है तो इन पक्षियों को दे डोंट ब्रीड वेरी वेल उस एरिया में. और एक चौथा प्रॉब्लम है हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन मतलब जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे हमारा देसी मुर्गी जो है रेड जंगल फोर और ग्रे जंगल फोर से पालतू करते हुए हजारों साल से वो डोमेस्टिक चिकन बना, बट कहीं जगह ऐसा है कि गांव है कोई जंगल के नज़दीक और वहां पे अगर रेड जंगल फोर वाइल्ड में है, रेड जंगल फोर और देसी मुर्गी जो है वो आपस में ब्रीड करते हैं, जिस वजह से जो वाइल्ड जो पक्षी होते हैं उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो हाइब्रिडाइज होके खराब हो जाता है. सो बेसिकली दे आर हाइब्रिडाइज, दे आर नो मोर, दे डोंट जेनेटिकली दे आर नॉट वेरी सिमिलर टू द वाइल्ड कॉन्स्पिटी. तो हाइब्रिडाइजेशन जो है एक मेजर थ्रेट है बहुत सारे स्पीशीज के लिए, जो जैसे स्पेशली जंगल फाउल्स में जो जो जंगल और गांव नज़दीक रहता है जहाँ पे देसी मुर्गी पालते हैं और वाइल्ड कजन्स वहाँ रहते हैं. सो ब्रॉडली ये चार थ्रेट्स है जो फेजेंट्स को बहुत अफेक्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर वाइल्ड में परसिस्टेंस. मैं यहाँ इस फोटो में यही दिखाना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर आल्सो, ये सारे फेजेंट्स के लिए कॉमन नहीं होगा, देयर आर वेरियस फैक्टर्स. जैसे मैं यहाँ पे ग्रेजिंग का फोटो दिखा रहा हूँ, जो भी हिमालयस में हिमालय पर्वत में जो फेजेंट्स पाए जाते हैं उनके लिए मेजर थ्रेट है ग्रेजिंग, क्योंकि जैसे मैंने बताया ब्रीडिंग सीजन में लोग भी जाते हैं बट वो अपने साथ भेड़ बकरी भी ले जाता है चुगाने को. सो ये भेड़ बकरी सैकड़ों के हिसाब से हैबिटेट में जाएंगे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा. और जो राइट बॉटम में दिख रहा है वो एक बहुत रेयर जड़ी बूटी है जो इनके फेजेंट्स के हैबिटेट में मिलता है, तो उसके कलेक्शन के लिए लोग जाते हैं. सो दिस आर सम अलग अलग प्रजातियों को अलग अलग लेवल पे थ्रेट्स ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है. तो ओके, तो हमने थोड़ा फेजेंट्स के बारे में जान लिया, उनके लिए जंगल में क्या थ्रेट्स है वो सीख लिया, बट ये फेजेंट्स का इकोलॉजिकल रोल क्या है, मतलब व्हाई, व्हाट इज द इकोलॉजिकल रोल इन द इकोसिस्टम, मतलब एक जो हमारा नेचर है इनका क्या रोल है. सो वन ऑफ द फर्स्ट टू थिंग्स इज दे आर आइदर प्रे और प्रेडेटर. बहुत सारे बाज प्रजाति के पक्षी है, बहुत सारे नेवले के प्रजाति के पक्षी है, बहुत सारे जो छोटे कार्निवोर्स जो बोलते हैं उनके लिए दे आर एन इम्पॉर्टेंट प्रे स्पीशीज, मतलब वो उस पर खाते हैं और दे सर्वाइव बेस्ड ऑन दैट. एंड ऑल्सो दे आर ऑल्सो प्रेडेटर, मतलब दे डोंट ईट बिगर एनिमल्स बट इंसेक्ट पॉपुलेशन, दे ईट अ लॉट ऑफ इंसेक्ट्स इन देयर डाइट. जो इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खाते हैं, तो दे हैव अ रोल इन रेगुलेटिंग देयर पॉपुलेशन. देर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सीड डिस्पर्सल, मतलब बीज प्रसार जो बोलते हैं उसमें इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है. स्पेशली सेवरल स्पीशीज ऑफ हिमालयन फेजेंट्स जो है वो कुछ ऐसे फ्रूट्स का सीड खाते हैं और जब वो मूव करते हैं तो वो उनके फिकल मैटर में वो दूसरे जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो दे ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स ऑफ ट्रीज, जिससे इनडायरेक्टली दे sort of contribute to forest regeneration. तो जंगल के फैलने में और पेड़ के फैलने में इनका मेजर रोल है. सो मोस्ट ऑफ द फेजेंट्स इकोलॉजिकल रोल, मतलब एक इकोसिस्टम में इनका क्या रोल है, सो दे फॉल इन टू दीज ब्रॉड कैटेगरीज. तो थोड़ा हम फेजेंट्स के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि वेयर डू दे लिव. जो मैंने बताया कि ओके जंगल में रहने वाले पक्षी है, बट वेयर एग्जैक्टली, सो देर इजंट, मतलब एक स्पेसिफिक तरीके का हैबिटेट इज नॉट व्हाट दे प्रेफर, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज अगेन. सो जो मैंने बताया जो 17 स्पीशीज फेजेंट्स इंडिया में मिलते हैं, सो मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन, जो पहाड़ी इलाका है ऊपर हिमालय का, वहाँ पे पाए जाने वाले स्पीशीज है.
जनरली जैसे मनाया वो बताया मैंने, तो वुडेड हैबिटेट्स मतलब जहाँ पे घना जंगल है वहाँ पे रहने वाले पक्षी है ये ज़्यादातर. बट देर आर सम स्पीशीज, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बीच वाला फोटो में दिख रहा है, घास नहीं, जो घास वाला एरिया जो होता है, ग्रासलैंड्स जो बोलते हैं, जो माउंटेन ग्रासलैंड्स होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक स्पीशीज है चियर फेसेंट करके, सो दे प्रेफर ग्रासलैंड्स. और कुछ स्पीशीज है जो बहुत हाइट में, मतलब लगभग जहाँ पे ट्री लाइन होता है लगभग 4,000-3,500 मीटर अबव सी लेवल के हाइट पर है के ब्रीड करते हैं, जो माउंटेन फॉरेस्ट में रहते हैं. जो राइट में दिख रहा है जैसे बहुत सारे स्पीशीज है, जैसे हिमालयन मोनाल हो गया, वेस्टर्न ट्रकोपैन हो गया, ये सारे स्पीशीज बहुत हाइट में रहने वाले हैं. देर आर ऑल्सो सम स्पीशीज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मतलब थोड़ा नीचे हाइट में एरियाज में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जंगल फाउल्स, ग्रेट जंगल फाउल, ग्रे जंगल फाउल, मोर जो है सबसे कॉमन है. सो थोड़ा लोअर एलिवेशंस में रहने वाले पक्षी है. सो मोस्टली जंगल में रहने वाले पक्षी है, बट बिकॉज ऑफ द अडेप्टेशन लोगों के पास रहने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोर काफ़ी टाइम वो इट इज नो मोर मतलब जंगल में ही नहीं रहता है, थोड़ा अर्बन एरियाज में भी रहने वाला पक्षी है. सो दे आर अ बिट फ्लेक्सिबल, बट मोस्टली ये जहाँ पे वो रहते हैं उस हैबिटेट का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है. नाउ तो हमने इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में, जैसे फॉर एग्जांपल इनका प्रजनन के बारे में, हाउ डू दे प्रोपोगेट, तो ये ब्रीड कहाँ करते हैं, इनका घोंसला कहाँ बनता है, ये इसके बारे में थोड़ा देखते हैं. सो इसमें दो चार पॉइंट है, वन बाई वन विल टेक अप. तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स इज ये अपना घोंसला बनाते कहाँ है. सो फर्स्टली सो जनरली जो है फेजेंट्स जैसे आपका दूसरे छोटे चिड़िया है, इतना फाइन नेस्ट, मतलब दे डोंट मेक अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड नेस्ट, बड़ा शैलो सा एक ग्राउंड में दे मेक अ एक थोड़ा हल्का सा डिप्रेशन जैसे करके, वहाँ पे दे हैव अ कपल ऑफ स्टिक्स और पत्ता और उनका पंख और उसका नेस्ट बनता है. मोस्टली ग्राउंड नेस्ट मतलब ज़मीन पे घोंसले बनाते हैं, although घोंसला जो है इट विल बी वेल कवर्ड. बस एक फोटोग्राफ है जहाँ मैं जो बता रहा हूँ आप लोग रिलेट कर सकते हैं. सो ये जो है इट इज़ द नेस्ट ऑफ अ हिमालयन मोनाल, जो लगभग 4,000 मीटर पे मैंने देखा था 5-6 साल पहले. सो हिमालयन मोनाल का नेस्ट है, तो नेस्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है ज़्यादातर, मतलब अच्छा शेल्टर एरिया में होता है, एंड देन सो दैट पानी ना आए इसमें, एंड देन इट इज़ नॉट अ मतलब अच्छे से बनाया हुआ नेस्ट लगता नहीं है. एंड मैंने बताया ज़्यादातर जो है ज़मीन पे होता है, एक्सेप्ट एक प्रजाति, एक ग्रुप ऑफ फेजेंट्स है उस इसको बोलते हैं ट्राइकोपैन करके, एक इट्स वो फेजेंट्स में एक प्रकार का इट्स अ काइंड ऑफ स्पीशीज ऑफ फेजेंट. तो वो जो है वो सारे जो है वो ज़मीन में नहीं बनाते, वो पेड़ के ऊपर बनाने वाले घोंसले, बाकी सारे पक्षी जो है वो ज़मीन पे ज़मीन पे ही घोंसला बनाते हैं अपना. सो एक घोंसले में कितना एग्स होता है, वो टोटल नंबर ऑफ एग्स को हमें क्लच साइज बोलते हैं. क्लच साइज मतलब जो आप घोंसला देख रहे हैं उस फीमेल का इस साल में क्लच साइज 3 था, तो मतलब उसने इस साल 3 अंडे दिए, तो उसका क्लच साइज 3 था. फेजेंट्स का क्लच साइजेस जो है बहुत वेरी करता है, जैसे कुछ स्पीशीज है जो 2-3 या 4 एग्स मैक्सिमम देते हैं, जो भी ज़्यादातर हायर आल्टीट्यूड्स में ब्रीड करते हैं. बट देर आर कुछ और अलग स्पीशीज भी है, जैसे फॉर एग्जांपल जंगल फाउल्स हो गया, चियर फेजेंट हो गया, उनका जो है लगभग 10-14 एग्स 15 एग्स तक एक क्लच में, मतलब एक बार में एक फीमेल जो है दे ले अप टू दोज एग दैट मेनी एग्स. इनका जनरली घोंसला जो है इट विल बी इन अ लोकेशन, एक फीमेल जो है जैसे नई फर्स्ट टाइम जब ब्रीड करना शुरू करेगी वो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अ फीमेल टू लर्न कि मैं कहाँ नेस्ट बनाऊंगी तो इट विल बी वेल शेल्टर्ड, अच्छे से मैं बचा सकती हूँ नेस्ट को फ्रॉम वेदर, बारिश या बर्फ, एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर्स, प्रेडेटर से मैं कैसे बचाऊंगी. सो एक फीमेल को एक नेस्ट सेलेक्शन में सीखने में इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, दे लर्न ओवर ईयर्स, तो मतलब काफ़ी साल लग जाता है. सो ओवर ईयर्स दे लर्न कि अच्छा कहाँ मैंने नेस्ट बनाना है करके, सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. सो एंड एज फार एज द लोकेशन ऑफ द नेस्ट इज कंसर्न, उनका प्रेडेटर से कैसे बचाना है, ऑल दिस पैरामीटर्स, देर आर सेवरल एस्पेक्ट्स दैट वो एक फीमेल जो है ध्यान में रख के एक नेस्ट बनाती है. सो क्लच साइज मैंने बताया. सो नेक्स्ट इज कब. सो ओके घोंसला बना रही है नेस्ट में ज़मीन पे, एंड
या इफ इट इज एलिवेटेड इन द केस ऑफ से ट्रैगोपैन. सो सीजनैलिटी मतलब जनरली जो है ये पूरे साल ब्रीड नहीं करते. एक स्ट्रांग सीजन होता है जब मोस्टली फेजेंट्स ब्रीड करते हैं. मोस्ट ऑफ द फेजेंट्स जो है स्प्रिंग मौसम में ब्रीड करने वाले पक्षी होते हैं. सो दे ब्रीड ड्यूरिंग बिटवीन अप्रैल एंड जून जुलाई. उस टाइम में दे जनरली ब्रीड बिकॉज इट कोइंसाइड्स विद फूड अवेलेबिलिटी. मतलब जैसे अगर एक फीमेल जैसे अंडे देगी और उसका बच्चा होगा तो उस बच्चे को खाना क्या होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मानसून में जो नए नए पौधे निकलेंगे या इंसेक्ट्स होंगे वो खाते हैं. सो सीजनैलिटी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कब ब्रीड करते हैं करके. सो जनरली मोस्टली जो भी हिमालयस में पाए जाने वाले जो फेजेंट्स है तो जनरली मार्च और अप्रैल के बीच में दे ले एग्स. पहले एग्स देंगे और मतलब सबसे पहले तो ऑफकोर्स देर विल बी अ वेरी एलैबरेट सेलेक्शन ऑफ नेस्ट और उसके बाद जो है एग ले करेंगे वहाँ पे. एंड देन देर इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्यूबेशन एंड हैचिंग दैट हैपेंस. नाउ कमिंग टू जैसे मैंने बताया हैचिंग और इंक्यूबेशन के बारे में. सो एक बार एग्स देंगे तो फीमेल द नेक्स्ट थिंग इज इंक्यूबेशन. तो उसको फीमेल जो है गर्म रखती है लगभग 20 और 30 दिन के बीच में. कौन सी प्रजाति है उसके ऊपर डिपेंड करता है. लगभग 20 to 30 डेज मतलब 20 और 30 दिन के बीच में एक फीमेल एग्स को इंक्यूबेट करेगी. अपने पूरे जो भी क्लच होगा वो पूरा इंक्यूबेट करेगी. तो यहाँ पे आप इस फोटो में देख सकते हैं कि मैंने पहले बताया मेल्स आर मोर कलरफुल फीमेल्स आर लेस कलरफुल. बट यहाँ पे आपको वो इम्पोर्टेंस दिखेगा क्योंकि एक फीमेल को इट्स नॉट कलरफुल बिकॉज उसको छुप के जब भी वो इंक्यूबेट करेगी इट हैज़ टू हाइड. मतलब एक अच्छे से कैमोफ्लेज होना है उसमें. जंगल में एकदम से नहीं दिखना चाहिए. अगर वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होगी तो जंगल में एकदम से प्रेडेटर को दिख जाएगी. जब वो एक ही जगह 20-30 दिन उसने बैठना है एक फीमेल ने तो उस कारण से फीमेल एवोल्यूशनरली डल कलर्स में होते हैं क्यों ताकि वो एकदम से प्रेडेटर्स उनको डिटेक्ट ना कर पाए. सो ये जो फोटो में दिख रहा है आपको ये एक हिमालयन मोनाल की फीमेल है जो इनक्यूबेशन पे बैठी थी. सो इनका जो कलर है इट इज़ वेरी डल बिकॉज ऑफ टू एवेट प्रेडेटर्स जब इनक्यूबेशन करेगी. और ऑफकोर्स बच्चे भी जब होते हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जब बच्चे भी होते हैं सो दे हैव टू केयर फॉर द चिक्स. चिक्स भी लगभग माँ के कलर के ही होते हैं. डल कलर्ड मिट्टी के कलर के बेसिकली सो दैट एकदम से वो जंगल में दिखे ना. सो जनरली जो है इनक्यूबेशन पीरियड होता है 28 या 30 दिन जो भी है. 30 दिन के बाद हैचिंग होगा. एंड देन जनरली जो पेरेंटल केयर होता है जो मतलब बच्चों को कौन पालता है. ज़्यादातर फेजेंट्स में फीमेल मादा पक्षी ही ज़्यादा रोल होता है एक रेयरिंग में. बट कुछ स्पीशीज़ है जिसमें नर पक्षी और मादा पक्षी दोनों मिलके बच्चों को पालते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल चियर फेजेंट है. इसमें एक साल में हर एक साल एक नर और मादा एक पैर बनता है उनका और पूरे ब्रीडिंग सीजन में वो दोनों साथ में रहते हैं. इंक्यूबेशन फीमेल करेगी बट जब हैचिंग हो जाएगा उनका जैसे मैंने बताया बहुत सारे एग्स होता है. जैसे कुछ जैसे मोनाल है आपने 3 ही एग्स देखा तो बट चियर फेजेंट 10-14 एग्स तक देंगे. तो 14 बच्चे निकल गए तो बहुत ज़्यादा है. तो फीमेल अकेली नहीं कर पाएगी तो मेल ऑल्सो पार्टिसिपेट. मेल और फीमेल दोनों मिलके दे टेक केयर ऑफ द चिक्स. जनरली मोस्ट ऑफ द फेजेंट्स चिक्स जो होते हैं तो वो पेरेंट्स के साथ लगभग एक साल तक रहते हैं. नॉट क्लोजली एसोसिएटेड बट जैसे आपने मुर्गी के बच्चे देखे होंगे तो वो पैदा होते ही वो चल सकते हैं खाना ढूंढ सकते हैं. बट लगभग 1-1.5 महीने तक उनका जो फेदर्स जो है पूरा डेवलप नहीं हुआ होता है. सो द चिक्स को माँ जो है अपने नीचे रख के वो ब्रूड करती है ताकि वो गर्म रहे बच्चे एक दो महीने के लिए. उसके बाद जो है दे विल स्टिल स्टे विद द मदर जिस दौरान वो बिहेवियर्स काफ़ी सारे वाइल्ड में सर्वाइवल के बारे में बिहेवियर सीखते हैं. प्रेडेटर से कैसे बचना है, खाना कहाँ ढूंढना है, कौन सी सीजन में क्या खाना खाना है. सो ऑल दिस बिहेवियर्स दे लर्न फ्रॉम द मदर ड्यूरिंग दिस पीरियड जब वो माँ के साथ रहते हैं. जनरली ऐसा होता है कि जो ट्रॉपिकल सीजन जो लोअर हाइट में रहते हैं पक्षी उनका जो है जनरली थोड़ा जल्दी माँ से अलग हो जाता है बिकॉज द वेदर इज अ लिटल बेटर. बट जो हिमालयस में रहते हैं जब जैसे जून या जुलाई में बच्चे हुए तो अक्टूबर नवंबर तक सर्दी आ जाता है तो वो माँ के साथ
ज्यादा देर के लिए रहते हैं, लगभग अगले ब्रीडिंग सीजन तक, जब वो सर्दी में कैसे बचना है, प्रीडेटर से कैसे बचना है, खाना कैसे ढूंढना है, ये सारे बिहेवियर्स जो है दे लर्न ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड. सो दिस इज ब्रॉडली हाउ दे हाउ देयर लाइफ हिस्ट्री, मतलब उनका जो पूरा जो लाइफ साइकिल जो है हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड. तो हमने देख लिया उनका रहना और प्रजनन के बारे में. तो जनरली व्हाट डू दे ईट, क्या खाते क्या है जंगल में. ज्यादातर जो है देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ फूड, दो प्रकार के फूड है जो जनरली फेजेंट्स खाते हैं. एक हो गया वेजिटेटिव मैटर, जिसमें पत्ते, फ्रूट्स, सीड्स, बेरीज होगा जो जंगल में मिलता है, एंड ऑल्सो इंसेक्ट्स. सो अगेन ये दिस आर ब्रॉड कैटेगरीज, बट सारे स्पीशीज सारे चीज खाते हैं, बट कुछ स्पीशीज जो है ज्यादा वेजिटेटिव मैटर खाते हैं और कम इंसेक्ट्स खाते हैं, कुछ स्पीशीज जो है ज्यादा इंसेक्ट्स खाते हैं और कम वेजिटेटिव मैटर खाते हैं. जनरली ब्रीडिंग सीजन में और बारिश के सीजन में जब इंसेक्ट अवेलेबिलिटी ज्यादा होता है तो फेजेंट्स टेंड टू ईट इंसेक्ट्स मोर, बट जनरली जो है इट्स अ मिक्स. एंड ऑल्सो देर आर सम स्पीशीज, कुछ प्रजातियां हैं जो वेजिटेटिव मैटर को ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट देर आर ऑल्सो सेवरल अदर स्पीशीज जैसे जंगल फाउल्स ये इंसेक्ट्स ज्यादा खाते हैं, जैसे मैंने कोकलास बताया या वेस्टर्न ट्रैगोपैन बताया, वो ज्यादातर वेजिटेटिव मैटर खाना पसंद करते हैं. मतलब मैं बस ये फोटो में दिखाना चाह रहा हूँ कि वैरायटी ऑफ द फूड्स, फ्लावर्स भी हो सकता है, लीव्स हो सकता है, फर्न्स हो सकता है, बेरीज हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकता है. सो दे ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स, बट सीजनल अवेलेबिलिटी एक मेजर फैक्टर होता है उनका डाइट क्या होगा हर एक सीजन में उसके बेसिस पे. अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दे ऑल जनरली जब भी फेसेंट्स फॉरेज करते हैं, जैसे मैंने बताया एक ग्रुप में रहने वाले, इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रांग ग्रुप बट दे स्टे क्लोज बाय, उसमें एक एडवांटेज होता है उनको कि जैसे दो पक्षी खा रहे हैं इसमें और एक पक्षी देख रहा है. सो एक ग्रुप में रह के प्रेडेटर को अच्छे से अवॉइड कर सकते हैं. सो देर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ फेजेंट्स विच लिव इन ग्रुप्स. फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको फोटो दिख रहा है ये है खलीज फेजेंट, ये भी हिमालयास में और थोड़ा लोअर हिमालयास में मिलने वाला पक्षी है. तो ग्रुप्स में रहता है जो थोड़ा डार्क ब्लैक कलर में जो दिख रहा है इट्स अ मेल, और जो ब्राउन में पीछे है वो फीमेल है. सो एक ग्रुप में रह के इनको एक एडवांटेज मिलता है कि ओके कुछ पक्षी खा रहे हैं तो दे कैन आराम से खा सकते हैं, और एक पक्षी जो है वो देख रहा होगा कि अच्छा कोई प्रेडेटर आ गया तो अलार्म कॉल देना है और भाग जाना है हमें. सो देर आर सेवरल जैसे, और जनरली नॉन ब्रीडिंग सीजन में जैसे मैंने बताया अप्रैल से जून जुलाई तक ये ब्रीडिंग सीजन होता है, उसके बाद जो जब ब्रीडिंग नहीं कर रहे होते जनरली फेजेंट्स टेंड टू स्टे इन ग्रुप्स, मतलब एक ग्रुप में रहते हैं. सो इट गिव्स देम एन एडवांटेज टू अवॉइड प्रीडेटर्स, प्रीडेटर से बचने के लिए एक तरीका है उनका. सो थोड़ा बायोलॉजी के बारे में जान लिया. सो ब्रॉडली टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन, जो एक फेजेंट्स के इनका संरक्षण के बारे में, देर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन मेजर्स, दो तरीके के कंजर्वेशन एक्शंस होते हैं. एक होता है इंसिटू, मतलब जहाँ पे ये पक्षी रहते हैं उसी में इनको कंजर्व करना, जिसको हम बोलते हैं इंसिटू कंजर्वेशन. एक है एक्सिटू कंजर्वेशन, मतलब आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट, जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ से इनको निकालना है और ह्यूमन केयर में लाना है और वहाँ पे इनको रख के ब्रीड करके एंड देन वी रिलीज देम बैक टू द वाइल्ड. सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सिटू कंजर्वेशन. सो दो तरीके के ब्रॉड कंजर्वेशन मेजर्स हैं. तो इंसिटू कंजर्वेशन में बहुत सारे गवर्नमेंट्स है जहाँ पे ये पक्षी पाए जाते हैं. देर आर वेरियस मेजर्स दैट दे टेक अप. तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स, जो सबसे पहले चीज़ है जहाँ पे ये रहते हैं, हैबिटेट प्रोटेक्शन. बहुत सारे साइंटिस्ट जो है स्टडी करते हैं कि अगर 10,000 स्क्वायर किलोमीटर या 100 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है या जंगल है, उसमें से फेजेंट्स के लिए कौन सी एरियाज इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेंसी मॉडलिंग. तो देर आर साइंटिफिक मेथड्स अवेलेबल जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा हैबिटेट जो है फेजेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो और उस हैबिटेट को हम प्रोटेक्ट करेंगे. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, बहुत सारे चीज़ें जो फेजेंट्स के लिए मैंने थ्रेट्स बताया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेजिंग हो गया, कलेक्शन ऑफ जैसे जड़ी बूटी का कलेक्शन हो गया, एकदम से नहीं रोकने वाले प्रैक्टिसेस है ये सारे, बहुत सदियों से चला आ रहा है. तो इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल, मतलब इट इज़ नॉट अबाउट स्टॉपिंग देम बट इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल. एक देर हैज़ टू बी अ बैलेंस, एक बैलेंस होना चाहिए कि आपका ग्रेजिंग एंड ऑल्सो एज फार एज द फेजेंट हैबिटेट्स, देर शुड बी अ बैलेंस. सो एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस
हाउ टू प्रमोट, तो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स जैसे कंजर्वेशन अवेयरनेस है, कंजर्वेशन अवेयरनेस के थ्रू जैसे जो भी ग्रेजिंग करने वाले हैं उनको बताना कि यहाँ पे आप अपने शीप को मत ले जाइए बिकॉज देयर इज अ ब्रीडिंग एरिया ऑफ फेजेंट्स हियर. सो दीस आर सम ऑफ द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस दैट गवर्नमेंट्स, जो भी गवर्नमेंट है जहाँ पे फेजेंट्स मिलते हैं वो अडॉप्ट करते हैं ताकि इनके कंजर्वेशन के लिए, एंड ऑल्सो जैसे मैंने बताया लोगों को कंजर्वेशन अवेयरनेस के बारे में बताया. नाउ एक्सिटो कंजर्वेशन, एक्सिटो कंजर्वेशन मतलब जो पक्षी को जंगल में मिलने वाला पक्षी को वहाँ से ला के ह्यूमन केयर में रखना. द सबसे ईजिएस्ट एग्जाम्पल जो हम सबको पता है वो है जू, एक जो जू है. सो दैट्स अ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एक्सिटो कंजर्वेशन. तो जनरली क्या करता है, जो मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था पहले, जो पक्षी विलुप्त हो रहे हैं जंगल में, जो एक्सटिंक्ट हो रहा है या थ्रेटेंड हो रहा है, उनके कुछ पक्षी, कुछ एग्जांपल्स को, कुछ स्पीशीज और कुछ इंडिविजुअल्स को लाएंगे और उसको जू में रखेंगे एंड वी बिल्ड अ पॉपुलेशन आउट ऑफ इट. और उसका जो पॉपुलेशन है एक इंश्योरेंस पॉपुलेशन की तरह रख के उसको बाद में वाइल्ड में छोड़ने के लिए देर इज समथिंग कॉल्ड एज रीइंट्रोडक्शन. सो बेसिकली जो मैं मेंटेन एक्सिटो पॉपुलेशन और कंजर्वेशन ब्रीडिंग और रीइंट्रोडक्शन जो मैं बता रहा हूँ, सो ये ब्रॉडली इस काम को डिफाइन करता है कि आप जंगल से कुछ इंडिविजुअल्स को लाएंगे, उसको कैप्टिविटी में रखेंगे, उसको ब्रीड करेंगे, उसका नंबर इवेंचुअली ज़्यादा करेंगे, एंड देन अगर ज़रूरत पड़ा तो आप उसको ऐसी जगह छोड़ेंगे जहाँ पहले पक्षी मिलता था. जंगल में आप सर्वे करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छा ओके, यहाँ पे पक्षी पहले मिलता था, फॉर वॉट एवर रीजन्स वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गया है, सो वी ट्राई टू रिलीज द बर्ड्स बैक देयर. सो एंड ऑल्सो जू एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है जहाँ पे आप लोगों को और अच्छे से अवेयर कर सकते हैं कि फेजेंट्स क्या होते हैं, उनके बायोलॉजी, उनके कंजर्वेशन के बारे में. सो इन अ वे दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू कंजर्वेशन ऑफ फेजेंट्स. सो दीज आर द ब्रॉड मेथड्स इन विच कंजर्वेशन ऑफ फेजेंट्स आर हैपन. सो इतना बताना था मैंने फेजेंट्स के बारे में. सो आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो इन टू द डिटेल्स, बट इफ देर आर एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट एनी वन वॉन्ट्स टू आस्क, आई वुड बी विलिंग टू टेक इट अप. थैंक यू. थैंक यू नरसिम्हा. हमारे कुछ क्वेश्चन हैं. आपने बहुत अच्छी जानकारी दी फेजेंट्स के बारे में और हमें काफ़ी कुछ इससे इनके रहन सहन और स्वभाव के बारे में पता चला. तो एक क्वेश्चन तो मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे जो स्पर होता है, मैंने वो कुछ फेजेंट में नोटिस किया है, क्या ये सभी फेजेंट में पाया जाता है या फिर पर्टिकुलरली कुछ ही स्पीसीज में पाया जाता है? ओके, स्पर जो है, मैंने आपको एक स्लाइड दिखाया था. आई विल ट्राई टू जस्ट शो दैट स्लाइड अगेन, मे बी दे कैन रिलेट टू व्हाट एग्जैक्टली अ स्पर इज. वन सेकंड. दिख रहा है ना? सो बेसिकली दिस इज नॉट अ वाइल्ड बर्ड, बट फेजेंट्स में जो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जो ये तो टोस है, इसके पीछे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्पर है. सो बेसिकली दिस आर ओनली फाउंड इन मेल्स. देर आर सम स्पीशीज जहाँ पे रूडिमेंट्री जैसे स्पर फीमेल्स में भी होते हैं, बट मोस्टली इट इज ओनली फाउंड इन मेल्स एंड मोस्ट फेजेंट्स हैव इट. इनका फंक्शन होता है जब टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब ब्रीडिंग सीजन में मेल्स जो है काफ़ी टेरिटोरियल होते हैं तो वो लड़ते हैं ताकि वो अपना टेरिटरी मेंटेन कर पाए. तो वो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट में दे यूज दिस स्पर्स टू वार्ड ऑफ अदर मेल्स या अपने कॉम्पिटिंग मेल को लड़ने के लिए, वो मेजर फंक्शन होता है स्पर का. ओके, तो ये जैसे स्पर फॉल में भी स्पर पाया जाता है, आई थिंक उसका नाम ही इस वजह से स्पर फॉल रखा गया है. देयर आर टू स्पर्स, दैट्स व्हाई. ओके, तो ये भी फेजेंट में ही आते हैं? नहीं, सो देयर आर अदर ग्रुप्स ऑफ बर्ड्स. सो बेसिकली दिस इज टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है. जैसे ग्राउस हो गया, आपका तीतर हो गया. तीतर इज नॉट अ फेजेंट, तीतर इज इट्स अ क्वेल एंड अ पार्ट्रिज करके एक और ग्रुप है. सो फेजियानिडे करके एक फैमिली है. जब आप गैलीफॉर्म्स की ऑर्डर देखेंगे उसमें फेजेंट्स आते हैं, बाकी सारे जो है दूसरे टैक्सोनॉमी ग्रुप्स में क्लासिफाइड है. ओके. और जैसे हमारे यहाँ हमारे नेशनल जूलॉजिकल पार्क में हमने काफ़ी एग्जॉटिक फेजेंट्स की भी वैरायटी रख रखी है, तो कभी कभी कुछ हमारे विजिटर्स जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि एडवर्ट फेजेंट और कलीस फेजेंट में कैसे डिफरेंस करेंगे?
Okay. Well, it's very difficult to describe it as such, but first of all, though, if you look at a Kalij pheasant, it's a native species. It's found yes. Found in the Himalayan region, like I mentioned. So, I think if you look at a Kalij pheasant, it is a mix of dark blue, black, and white. Jitna white Kalij pheasant mein hota hai, utna white Edward pheasant mein nahi hai. As a layman, I think that's the most quickest way to identify. There are, of course, they look completely different, but Edward pheasant is actually a bahut hi endangered, threatened species hai. There are very few zoos across the world that have been successful in breeding them. Okay. I think Delhi Zoo had a good population of them at one point in time. Yeah. Yes, exactly. Yeah. धन्यवाद. मैं अब अभी तो हमारे सोनाली मैडम किसी वजह से आई थिंक वो चली गई हैं, तो मैं प्रियंका से हमारी जो एजुकेशन असिस्टेंट हैं, शिक्षा सहायक, उनसे निवेदन करूंगा कि एक धन्यवाद ज्ञापन करें आपको आपके इस प्रोजेक्ट के लिए. थैंक यू. आई थिंक शी इज ऑन म्यूट. हां, यस. I'm audible, sir? Yes. Yeah, cool. Sir, thank you so much for coming and joining us on such a short notice and delivering such a wonderful and exciting lecture. It was really wonderful having you and hearing you. So, yeah, thank you so much, sir. Sure, it was a pleasure. Thank you. Thank you so much for this opportunity. Yeah. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you, Narasimha. Thank you for joining us. Bye-bye. Yeah. Bye. Yeah.